झारखंड और देश विदेश के खबरों में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत है। सीबीआई ने पूर्व मंत्री हरिनारायण राय को किया गिरफ्तार। आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में हुई कार्रवाई। 1,46,00,000 रुपए के आय से अधिक मामले में झारखंड के पूर्व मंत्री हरिनारायण राय को सीबीआई की टीम ने दुमका से गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि पत्नी सुशीला देवी भी गिरफ्तार हुई है। दोनों की गिरफ्तारी हरिनारायण राय के ससुराल से हुई है। गिरफ्तारी दुमका जिले के टोंगरा थाना क्षेत्र के तरनी स्थित ससुराल से हुई है। हाईकोर्ट से गत माह 4 नवंबर को अपील खारिज करते हुए निचली अदालत की सजा को बरकरार रखा था। खबर है रामगढ़ जिला से। रामगढ़ में फैक्ट्री में विस्फोट से कामगार की मौत के बाद भी कंपनी ने नहीं ली सुध। शव के साथ बैठे परिजन मांग रहे हैं मुआवजा। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड क्षेत्र के कमता स्थित ब्रह्मपुत्रा मेटालिक प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में किलिन विस्फोट में झुलसने के बाद सोमवार देर शाम एक कामगार की मौत हो गई। इसका शव पोस्टमार्टम कर बाद मंगलवार शाम को गोला लाया गया। मृतक के परिजन शव की फैक्ट्री के मुख्य द्वार के समीप रकम मुआवजा की मांग कर रहे हैं, लेकिन 17 घंटे बाद ही प्रबंधन ने इनकी सुध नहीं ली। कंपनी प्रबंधन के रवैये से मृत के परिजनों और ग्रामीण में रोष है। उधर इस मामले में जिला प्रशासन ने भी सुध नहीं ली है। बताते चले कि 3 दिसंबर को फैक्ट्री में क्लीन विस्फोट की घटना हुई थी, जिसमें कई अभियंता सहित एक दर्जन से ज्यादा कामगार झुलसकर घायल हो गए थे। इसमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। इन लोगों का इलाज रांची के देवकलम अस्पताल में किया जा रहा है। यह खबर है कोडरमा से। एसई का कहना है बकायेदारों की करे विद्युत की कटौती। झुमरी तलैया जिले में बकाया बिजली बिल वसूली को लेकर अधीक्षण अभियंता दिनेश सिंह के कार्यालय सभागार में बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से निगम मुख्यालय के निर्देश के अनुपालन व बकाये बिल वसूली के लिए कड़े कदम उठाने पर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधीक्षण अभियंता ने जिले में 5,000 रुपये से अधिक के बकायेदारों का बिजली कनेक्शन काटने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बकाया बिल वसूली को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अब जानते हैं थोड़ी खबर ट्रेन अपडेट से। हावड़ा से खुलने वाली स्पेशल ट्रेन के समय में हुआ बदलाव, तो आप भी जानें क्या है इन टेबलों में बदलाव। दक्षिण पूर्व रेलवे ने हावड़ा जंक्शन से खुलने वाले कुछ स्पेशल ट्रेनों के समय में परिवर्तन किया है। इस संबंध में दक्षिण पूर्व रेलवे ने यात्रियों से ट्रेन में यात्रा करने से पूर्व किसी अपडेट्स, ठहराव में बदलाव एवं टाइम टेबल की जानकारी राष्ट्रीय ट्रेन पूछताछ प्रणाली ऐप से जानकारी प्राप्त करने की अपील की है, ताकि किसी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके। इसके अलावा 139 पर भी कॉल कर ट्रेन के संदर्भ में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हावड़ा बड़बिला हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन दक्षिण पूर्व रेलवे ट्रेन संख्या 02021 हावड़ा बड़बिल एक्सप्रेस ट्रेन के टाइम टेबल में संशोधित बदलाव किए हैं। प्रतिदिन चलने वाली यह ट्रेन सुबह 6:20 हावड़ा जंक्शन से खुलेगी, खड़गपुर सुबह 8:02 में पहुंचेगी और टाटानगर सुबह 10 तक पहुंच जाएगी। टाटानगर से होते हुए यह ट्रेन दोपहर 12:55 में बड़बिल स्टेशन पहुंचेगी। अब खबर जाने थोड़ा मौसम संबंधी से। अगले 2 दिन में 3 डिग्री सेल्सियस चढ़ेगा न्यूनतम पारा, साफ रहेगा मगर आसमान। रांची के न्यूनतम तापमान के ऊपर चढ़ने वाला सिलसिला लगातार जारी है। 12 दिसंबर तक इसके 3 डिग्री सेल्सियस अभी और ऊपर चढ़ने की संभावना है। मौसम केंद्र रांची के मुताबिक 10 से 12 दिसंबर तक रांची का न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अगले 72 घंटे तक आसमान पूरी तरह साफ रहेगा। 12 दिसंबर से आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। खबर है गोड्डा जिला से। तंबाकू गुटखा की बिक्री को अब लाइसेंस की जरूरी है। जिले भर में अब तंबाकू गुटखा आदि की बिक्री के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता कर दी गई है। राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में यहां कोटपा एक्ट की बंदिशों को लागू करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। बुधवार को नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राजीव मिश्रा ने जिला प्रशासन की गाइडलाइन की घोषणा की है। कहा कि कोटापा कानून 2003 के तहत अब तंबाकू गुटखा आदि की बिक्री बगैर लाइसेंस के दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगी। इसके लिए दुकानदारों पर सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।
खबर है रांची से, 31 तक लर्निंग लाइसेंस फेल हो रहा है तो करा ले रेनुअल। अगर आपका लर्निंग लाइसेंस 31 दिसंबर 2020 तक फेल हो रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इससे आपका रेनुअल करा ले। रेनुअल कराने के बाद आपको फिर से 6 माह का समय मिल जाएगा। वहीं जिन आवेदकों के ड्राइविंग लाइसेंस की फीस काट ली गई है और अब तक किसी कारण स्टॉल बुक नहीं कर पाए हैं, तो वैसे आवेदक भी परेशान न हो, ऐसे आवेदक भी अपने लर्निंग लाइसेंस को रिन्यूअल करा लें। जब डीएल के लिए स्लॉट बुक करेंगे तो पहले से भुगतान की गई फीस से ही उनका काम चलेगा, दोबारा फीस भुगतान नहीं करना होगा। इधर पहले ही विभाग ने लॉकडाउन को देखते हुए फेल हो रहे लाइसेंस की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। खबर है लातेहार से। लातेहार में गरमाया मनरेगा मजदूरी में हेराफेरी का मामला, 8 मुखिया समेत पंचायत प्रतिनिधियों पर होगी कार्रवाई। मनरेगा के कार्यों में अनियमितता करने वाले के खिलाफ डीसी अबू इमरान ने बड़ी कार्रवाई की है। डीसी ने मनरेगा नियम के विरुद्ध कार्य करने वाले गारू प्रखंड के सभी 8 मुखिया, पंचायत सेवक, रोजगार सेवक, 2 कंप्यूटर ऑपरेटर सहित योजनाओं के मठ एवं 4 भेंडरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। गारू प्रखंड में मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक वेंडर, मुखिया, पंचायत सेवक, रोजगार सेवक, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं मठ के मिली भगत से प्रावधानों की अनदेखी कर मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं में कार्य कर रहे राजमिस्त्री और मजदूरों के भुगतान की राशि वेंडरों के खाते में डाला गया था। इसकी शिकायत मिलने पर डीसी श्री इमरान ने डीडीसी की अध्यक्षता में टीम गठित कर इसकी जांच कराई। खबर देश दुनिया और देश की विभिन्न योजनाओं से। खबर राजस्थान से। गहलोत पायलट के गढ़ में भाजपा ने लगाई सेंध, 13 जिलों में किला कमल, बम्पर जीत हुई। राजस्थान में 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव हुए थे, जिसके नतीजे मंगलवार को जारी किए गए। इन चुनाव परिणामों ने भाजपा को 13 जिला परिषद में जीत दिलाई। वहीं कांग्रेस 5 जिला परिषद में ही अपना रुतबा कायम रख सकी। इन 21 जिलों की 222 पंचायत समितियों में भी भाजपा भारी रही। कांग्रेस को 81 जबकि भाजपा को 93 पंचायत समितियों में बहुमत मिला है। हिंदू और जैन धर्म के लोगों ने क्यों मांगा कुतुब मीनार परिसर में पूजा का अधिकार, जानिए पूरा मामला। राजधानी की मशहूर ऐतिहासिक इमारत कुतुब मीनार के परिसर को लेकर हिंदू और जैन धर्म के लोगों ने बड़ा दावा किया है। यहां मौजूद कुवल उल इस्लाम मस्जिद को लेकर दिल्ली की साकेत कोर्ट में एक याचिका दी गई है, जिसमें कहा गया है कि ये मस्जिद हिंदुओं और जैनों के 27 मंदिरों को तोड़कर बनाई गई थी। अब याचिकाकर्ता मांग कर रहे हैं कि वहां देवताओं की फिर से स्थापना और पूजा अर्चना का अधिकार लोगों को मिले। प्रधानमंत्री मोदी का पीएम वाईफाई, खुलेंगे 1 करोड़ डाटा सेंटर, कल हुआ सबसे बड़ा ऐलान। मोदी सरकार की कैबिनेट की बुधवार को एक बड़ी बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद और संतोष गंगवार ने कैबिनेट फैसले के बारे में बताया। चल भाग यहां से। चीन ने अपने वैक्सीन के ट्रायल तो पाक में किए, पर जब देने की बारी आई तो दुत्कार दिया। कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया में उफापोह की स्थिति है। चीन ने अपनी वैक्सीन बनाकर उसका उत्पाद भी शुरू कर दिया है। इसके साथ ही इंडोनेशिया को चीनी वैक्सीन की 1.4 मिलियन डोज मिली भी गई है। चाइनीज कंपनी शिनोवैक की वैक्सीन इंडोनेशिया के अलावा कई देशों को दी जाएगी, लेकिन इसमें पाकिस्तान का कहीं नामो निशान तक नहीं है, जो दिखाता है कि पाकिस्तान के साथ एक बार फिर उसके तथाकथित दोस्त और आका चीन ने पाक को धोखा दे दिया है। तिरंगा उठाने से मना करने वाली महमूमा मुक्ति को फिर से नजरबंद किया गया। देखिए कैसे दरवाजा पीट पीट कर गिड़गिड़ा रही है। 64 विदेशी राजदूत भारत में, वैक्सीन का जायजा, देश की काबिलियत पर कही यह बड़ी बात। कोरोना वैक्सीन पर भारत ने अपनी गति तेज कर ली है। बता दें कि भारत में कोविड-19 वैक्सीन के गति को देखते हुए 64 विदेशी दूत भारत पहुंचे। दिल्ली से 64 विदेशी दूत हैदराबाद के प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी कंपनी भारत बायोटेक एवं बायोलॉजिकल पहुंचे, जहां कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन विकसित किया जा रहा है।
बॉलीवुड स्टार अनिल कपूर विवादों में, इस फिल्म पर भड़क गई वायुसेना। वर्दी में किया था कैसा काम जानिए। बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर के नेटफ्लिक्स पर अपकमिंग फिल्म AKBS AK के एक सीन को लेकर वायुसेना ने आपत्ति जताई है। इस फिल्म में AKBS AK में वायुसेना अधिकारी को जिस तरह दिखाया गया है उसे लेकर वायुसेना ने कड़ी आपत्ति जताई है। फिल्म AK vs AK को ट्रेलर में नेटफ्लिक्स रिलीज हुआ है। अनिल कपूर AK vs AK में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। बनारस में हुआ बवाल, संतों में फूटा गुस्सा, बैठ गए अनशन पर। धर्म और अध्यात्म के नगरी काशी में आम आदमी की दिक्कतों के लिए संत समाज ने मोर्चा खोल दिया है। स्मार्ट मीटर के बिजली बिलों की धांधली के विरोध में शहर के पतालपुरी मठ में भी श्री वैष्णव समाज के तत्वाधान में बाबा बालक दास अनशन पर बैठ गए हैं। संत समाज ने एकजुट होकर कहा कि स्मार्ट बिजली मीटर से बिजली विभाग आम जनता को उत्पीड़न कर रहा है। सपा ओवैसी और शिवपाल 2022 में होंगे एक साथ, बनेगा नया गठबंधन। 2022 के विधानसभा चुनाव में शिवपाल यादव के नेतृत्व वाली प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और अखिलेश यादव की नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर सकती है। कल बाराबंकी की इस बात की पुष्टि स्वयं शिवपाल सिंह यादव ने की। शिवपाल यादव आज बाराबंकी में अपने जिला महासचिव गामा यादव की बहन की शादी में शामिल होने आए थे और इस दौरान उन्होंने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार, महिलाओं को चीन में बेच रही है सरकार। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक और ईसाइयों के खिलाफ अत्याचार चरम पर है। अब अमेरिका ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान की पोल खोलकर रख दी है क्योंकि इमरान खान बार बार अल्पसंख्यक की सुरक्षा का दावा करते हैं। इसके बाद दुनिया भर में पाकिस्तान की किरकिरी हुई है। सोने चांदी में भारी गिरावट, कितनी कम हुई जाने कल की दाम। बीते दिनों सोने और चांदी की कीमतों में आई तेजी के बाद कल दोनों कीमतें धातुओं में नरमी दर्ज की जा रही। कल बुधवार को भारतीय बाजार में गोल्ड और सिल्वर के दाम में गिरावट देखी जा रही है। ऐसा कोरोना वायरस के वैक्सीन पर आ रही अच्छी खबरों की वजह से हुई है। MCX पर सोना वायदा के दाम में 9 दिसंबर 2020 को 0.6% गिरावट हुई, जबकि चांदी 1.2% की फिसली। खाता धारकों की बल्ले बल्ले, सबसे ज्यादा ब्याज यहाँ मिलता है। डिपॉजिट पर हो जाएंगे मालामाल, जानिए कौन है वो बैंक। देश में कई बैंकों ने इस साल FD रेट्स पर कम कर दिए, लेकिन कुछ बैंक ऐसे भी हैं जिन्होंने ग्राहकों को अच्छा ब्याज दिया। इसी कड़ी में इंडसइंड बैंक ने भी अपने ग्राहकों के लिए बेहतर ब्याज का दर विकल्प रखा है। इंडसइंड बैंक ग्राहकों को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म FD की सुविधा देने के साथ ही ब्याज ज्यादा भी दे रहा है। 46,000 की तरफ बढ़ रहा है सेंसेक्स, बनाया ऊंचा नया रिकॉर्ड। शेयर बाजार ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स सुबह 142 अंकों की तेजी के साथ 45,668 पर खुला है। BSE की एक अब तक का सबसे खुलने का सबसे ऊंचा स्तर है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 45,742.23 की नई सर्वकालीन ऊंचाई हासिल की। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 38 अंक की तेजी के साथ 13,393 पर खुला और 13,435.45 की रिकॉर्ड ऊंचाई पर हासिल की। अब खबर खेल जगत से। भारत के खिलाफ शुरुआती टेस्ट मैच से पहले खिलाड़ियों के चोटिल होने से परेशानी में है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एलन बॉर्डर ने कहा कि भारत के खिलाफ शुरुआती टेस्ट मैच से पहले खिलाड़ियों की चोटिल होने से परेशानी का सामना कर रही उनकी टीम के लिए अनुभवी शॉन मॉर सलामी बल्लेबाज के विकल्प हो सकते हैं। दोनों देशों के बीच 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला 17 दिसंबर को दिन रात्रि प्रारूप में एडिलेड में खेला जाएगा। पुनिया और वलारिवन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मोना पार्थ सारथी को सर्वश्रेष्ठ खेल पत्रकार का पुरस्कार। टोक्यो ओलंपिक का कोटा हासिल कर चुके पहलवान बजरंग पुनिया और युवा निशानेबाज एला वेनिल वलारिवन को भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2020 के इस साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, जबकि मोना पार्थ सारथी को साल का सर्वश्रेष्ठ खेल पत्रकार चुना गया।
हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।